हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के पहले एलिमिनेटर मुकाबले की, जो खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जालमी के बीच में कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 14 नवंबर को रात के 8:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है डी स्पोर्ट्स के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, वहां आपको पाकिस्तान सुपर लीग, वुमेन्स बिग बैश, इंटरनेशनल गेम्स, सारे मुकाबलों की फैंटेसी टीम्स मिलने वाली है। आपको सिर्फ सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है। उसके अलावा डेली क्रिकेट न्यूज के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां आपको क्रिकेट के बारे में सारी छोटी बड़ी खबरें जानने को मिल जाती है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टा दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप जाके मेरे को दोनों जगह फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कराची की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो जनरली कराची में एक अच्छा बैटिंग विकेट होता है और सर्दियां आ रही है, ड्यू पड़ेगा, इस वजह से भी टीम जो टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग ही करना चाहेगी इस मुकाबले के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ लाहौर कलंदर्स की टीम के बारे में, जो कि पहला अपना PSL खिताब तलाश रही है और एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार लाहौर के पास में। हालांकि टीम क्रिस लिन को मिस करने वाला है, जो कि काफी कमाल के फॉर्म में थे इस साल के PSL के अंदर, पर बैन डंग वापस से काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले इस साल टीम के लिए। थर्ड हाईएस्ट रन स्कोर है, 50 ओवर का एवरेज, वापस से बैन डंग एक बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं। टीम में तमीम इकबाल को भी साइन कर लिया प्लेऑफ्स के लिए। इकबाल एक और काफी जबरदस्त प्लेयर है और लेफ्ट हैंड काफी शानदार ओपनिंग करके देंगे। फखर जमान टीम में, जो कि नेशनल T20 कप के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और एक काफी शानदार T20 के प्लेयर है, और कप्तान सोहेल अख्तर जब से नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करना है, उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करी इस टीम के। पहले काफी नीचे खेलते थे पर नंबर 3 पर उनकी बैटिंग भी काफी शानदार है। तो ये जो 3-4 बैट्समैन है, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले इस मुकाबले के अंदर। ऑलराउंडर्स के अंदर समित पटेल टीम के अंदर है, जो कि बहुत ही कमाल खेले PSL में, 9 विकेट निकाले बॉलिंग में। उसके अलावा उनका बैटिंग स्ट्राइक 150 से भी ऊपर का था। और डेविड वीसा भी एक और काफी बड़ा नाम होने वाले हैं T20 ब्लास्ट में, काफी अच्छा खेले ससेक्स के लिए, वो एक काफी अच्छे सीम बॉलर। उसके अलावा वो बड़ी हिटे भी मार सकते हैं। और पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज भी टीम में, जो कि इतने एक्सपीरियंस है, जिनके बारे में कुछ कहने की भी जरूरत वो नहीं पड़ने वाली। बाकी बॉलिंग में शाहीन अफरीदी टीम के अंदर है, जो कि पिछले 1 साल में बहुत ही शानदार खेले हैं, नेशनल T20 कप के हाईएस्ट विकेट टेकर, पाकिस्तान सुपर लीग के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, और T20 प्लस में हैट्रिक भी ली थी उन्होंने। और हारिस रॉफ एक और T20 काफी बड़े प्लेयर, और पिछले जिम्बाब्वे में T20 में 3 मुकाबले 6 विकेट लिए। तो लाहौर के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है और ये टीम काफी शानदार लग रही है इस साल प्लेऑफ्स के अंदर। तो लाहौर के लिए ओपन कर सकते हैं तमीम इकबाल और फखर जमान, नंबर 3 पे सोहेल अख्तर, नंबर 4 पे बैन डंक, नंबर 5 पे मोहम्मद हफीज, नंबर 6 पे समित पटेल, फिर डेविड वीसा, शाहीन अफरीदी, हारिस रॉफ, दिलबर हुसैन और उस्मान खान शिनवारी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है आपके लाहौर की, जैसे लाहौर की टीम ये मुकाबला जीतना चाहेगा और एलिमिनेट 2 में जाने की पूरी पूरी कोशिश चाहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ पेशावर जालमी की टीम के बारे में। तो पेशावर की टीम के कप्तान डेरेन सैमी नहीं खेलने वाले, प्लेऑफ के जरूर से टीम को मिस करने वाला है। उसके अलावा लियम लिविंगस्टोन भी टीम में नहीं होंगे और टॉम बेंटन भी टीम में नहीं होंगे। तो ये कुछ बड़े प्लेयर है जो कि प्लेऑफ नहीं खेलने वाले, पर टीम ने फाव डू प्लेसी को साइन कर लिया। जी हाँ, फाव डू प्लेसी खेलेंगे पेशावर के लिए, जो कि बहुत ही बड़ी साइनिंग है इस टीम के लिए। IPL में काफी शानदार खेले फाव, जरूर से यहाँ पे अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। उसके अलावा विकेट के बल्लेबाज अकबर टीम के अंदर, कामरान अकमल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी इस टीम के लिए, वो वापस से काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और यंगस्टर हैदर अली पे भी सबकी निगाह रहने वाली, वो कैसा खेलेंगे इस मुकाबले में। हैदर अली नंबर 4 के ऊपर खेलते हुए एक काफी बड़ा पार्ट प्ले करने वाले हैं। टीम ने सोहेब मकसूद को भी साइन किया है, जो कि नेशनल T20 कप के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे और उनका स्ट्राइक रेट था 160 के ऊपर का। सोहेब मकसूद एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करने वाले इस साल पेशावर के लिए। और एक्सपीरियंस ऑलराउंडर शोएब मलिक भी टीम के अंदर है, जो कि मिडिल ऑर्डर को
स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके अलावा उनकी स्पिन बॉलिंग टीम भी काम आने वाली है। ऑलराउंडर के अंदर वेस्ट इंडीज से कार्लोस ब्रैथवेट टीम के अंदर है, ब्रैथवेट काफी लंबे छक्के मारते हैं, उसके अलावा सीपीएल के अंदर ब्रैथवेट ने बॉलिंग भी काफी शानदार करी थी और इस टीम की ओवरऑल बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग भी लगती है। वहाब रियाज कप्तानी करेंगे, टीम भी 11 विकेट लिए थे समय पीएसएल के अंदर, अपने अच्छे फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। उसके अलावा हसन अली के बॉलिंग में अच्छी रही, 8 विकेट निकाले हसन अली ने भी, और हसन अली भी वापसी करना चाहेंगे पाकिस्तान की टीम के अंदर, और एक्सपीरियंस बॉलर राहत अली भी टीम के अंदर होने वाले हैं। राहत अली भी काफी अच्छे विकेट टेकर है पेशावर के लिए, और स्पिन की जिम्मेदारी होने वाली लेग पर यासिर शाह के ऊपर जो कि टेस्ट के बड़े बॉलर है। तो अगर मैं पेशावर की 11 के बारे में बात करता हूं तो पेशावर के लिए ओपन करेंगे कामरान अकमल और इमाम उल हक, नंबर 3 पे फाफ डू प्लेसी, नंबर 4 पे हैदर अली, नंबर 5 पे शोएब मलिक, नंबर 6 पे सोहेब मकसूद, फिर कार्लोस ब्रैथवेट, वहाब रियाज, हसन अली, राहत अली और यासिर शाह। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम है पेशावर के पास, उसे पेशावर की टीम भी अच्छा खेलना चाहिए इस मुकाबले के अंदर। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके मुकाबला कौन जीतने वाला है, वो टीम होगी पेशावर जालमी, वो टीम होगी लाहौर कलंदर, साहब बताओ मुझे कमेंट करके, और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ इनके ऊपर। अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर से पलड़ा भरेगा इस मुकाबले के अंदर। लाहौर के पास कुछ काफी बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं बैटिंग में, उसके अलावा अफरीदी और हारिस रॉफ के होते बॉलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पेशावर के पास भी डिसेंट स्क्वाड पर मेरे साथ एक्स फैक्टर जो है वो लाहौर के पास ज्यादा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।